हिफ्री शीटर लुटेरा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, कब्जे से लूट का मोबाइल फोन, चोरी का और सामान और तमंचा बरामद। गाजियाबाद की नंदग्राम थाना पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच में हुई मुठभेड़ की बदमाश के पैर में गोली लग गई। थाना क्षेत्र के हिफ्री शीटर है मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश राहुल। रात्रि चेकिंग के दौरान पुलिस टीम हिंडल रिवर मेट्रो स्टेशन से राजनगर एक्सटेंशन को जाने वाले मेन रोड पर पुलिस चेकिंग नंदग्राम के दूसरी तरफ चेकिंग कर रही थी, तभी हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन की तरफ से एक मोबाइल पर सवार कभी भारी स्पीड में आ रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने इशारा किया। बाइक सवार ने बाइक को रोड कर वापस उल्टा दिशा भागा। शक होने पर पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो आगे जाकर नंदी पार्क के बगल में जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ गया। पुलिस के करीब पहुंचने पर हड़बड़ा कर अचानक मोसा से गिर गया, वहीं खड़ा होकर भागने लगा। भागते समय पुलिस की टीम ऊपर उस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसमें पुलिस टीम ने अनिल कुमार बाल बच गए। बचाव में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई। अभियुक्त ने दाहिने पैर में के घुटने के नीचे गोली लगी, जिससे अभियुक्त घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। पूछताछ और जमा तलाशी में अभियुक्त थाना ग्राम नगर HS राहुल पुत्र रंजीत पाया गया और उसके साथ है मोबाइल फोन और गाड़ी बरामद की गई। एक तमंचा भी लिया हुआ था और दो कारतूस भी लिया हुआ था और पुलिस पर हमला भी किया। थाना नंदग्राम क्षेत्र में चौकी नंदग्राम क्षेत्र में पुलिस जो है चेकिंग की कार्रवाई कर रही थी। बदमाशों के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें एक गाड़ी एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देख के वापस लौटा, जिससे पुलिस को थोड़ा सा संदिग्धता प्रोड्यूस हुई। पुलिस की टीम ने जब उसका पीछा किया तो गाड़ी तेजी उसने भगाई, आगे जाके उसकी गाड़ी स्पीड हो गई, वो पैदल भागा और उसने पलट के पुलिस की तरफ तमंचे से फायर भी किया है। पुलिस ने जो जवाबी में रिटेलिएशन पुलिस ने भी फायर किया, जिससे उसके पैर में गोली लगी, उसे गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया अपना नाम राहुल बताया है, पुत्र रंजीत है। ये थाना नंदग्राम क्षेत्र का एक हिस्ट्री शीटर है, थाना नंदग्राम क्षेत्र का ही हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ कई मुकदमे पहले से भी लिखे जा चुके हैं और अभी कुछ समय पहले भी इससे एक मोबाइल लूट में ये वांछित चल रहा था। और ये जो मोटरसाइकिल है इसके पास, ये भी इसके द्वारा बताया जा रहा है ये भी चोरी की ही मोटरसाइकिल है और तमंचा और कारतूस भी इसके पास से बरामद हुए हैं। बाकी जो विधि कार्रवाई की जा रही है।